दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एस्केपिटिंग चैनल पे। आज हम बताने जा रहे हैं फिल्टर कैसे लगाया जाता है। ये ऑलरेडी एक फिल्टर लगा हुआ है, इसकी जगह हम दूसरा फिल्टर लगाने जा रहे हैं। ये वाटर डेसलिंग सिस्टम का फिल्टर है। ये फिल्टर इलेनागट कासा कंपनी का फिल्टर है। ये इनलेट की तरफ से लगेगा और ये बहुत ज़बरदस्त फिल्टर है। इसके साथ आए हुए पार्ट्स हैं, एक तो इसका पाना है खोलने के लिए और एक इसका एक स्टैंड है। ये स्टैंड शायद हम दीवार में लगा सकते हैं और या नीचे की तरफ लगा सकते हैं इसकी मजबूती के लिए। वो ज़बरदस्त फिल्टर है। वैसे ये टंकी के इनलेट में लगता है मगर हम आउटलेट में लगा रहे हैं। इसके क्या ऑलरेडी दो फिल्टर नीचे लगे हुए हैं इसके कारण। ये सेल्फरेट की गोलियाँ हैं। ये सेल्फरेट की गोलियाँ चार गोलियाँ हैं। इसकी वैधता 6 महीने की है। 6 महीना बाद इसको चेंज करना पड़ता है। और ये फिल्टर को खोल लेते हैं और इसमें फिल्टर में कैंडल आएगा। कैंडल के अंदर ये चारों गोलियाँ डाल देते हैं। ये चारों गोलियाँ डालने के बाद कैंडल अच्छी तरह से लगा के फिल्टर वापस अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं और दोनों तरफ से FTSO के लगा लेंगे। FTSO के लगाने के बाद इसको वापस वो बड़ा फिल्टर लगा हुआ उसकी जगह इसको लगाएंगे। ये जाली है, इनलेट की तरफ लगती है। इससे जितना भी मोटा मोटा कचरा होता है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा और ये फिल्टर में नहीं जाएगा। ये टेप लगा के दोनों तरफ से FTSO की टाइट कर लेते हैं। FTSO की टाइट करने के बाद इसको पीछे की तरफ एक फिल्टर खोल के फिल्टर की जगह लगाएंगे। ये आउटलेट में इसलिए लगाना पड़ रहा है, ऑलरेडी हमारे क्या आउटलेट में दो फिल्टर लगे हुए हैं, उसके कैंडल की बचत के लिए, कैंडल की लाइफ बढ़ जाएगी, इसलिए हमको दो फिल्टर के कैंडल की बचत के लिए हम आउटलेट में ये भी लगा देते हैं। इससे क्या के जितना भी कचरा होगा वो यहीं रुक जाएगा। इससे कैंडल की बचत भी होगी और फिल्टर की लाइफ भी अच्छी बन जाएगी। ये वाल बंद कर देते हैं और ये एक फिल्टर तो ये लगा हुआ है और एक नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसलिए हमको आउटलेट में ये फिल्टर लगाना पड़ रहा है। इनलेट में तो एक लगा हुआ है ही है और एक आउटलेट में लगा रहे हैं। ये बड़ा वाला फिल्टर हटा लेते हैं और इसकी जगह हम ये फिल्टर लगा रहे हैं। इलेनागट कासा कंपनी वाला फिल्टर लगाएंगे। ये दोनों यूनियन अच्छी तरह से काट के वापिस इसी को यूज में ले लेंगे। चाहे तो हम एक यूनियन भी यूज में ले सकते थे मगर एक यूनियन इसलिए यूज नहीं ले रहे, उनको पाइप की थोड़ी शॉर्टेज आ गई, इसलिए दोनों यूनियन काम में ले लेते हैं और सोल बैंड लगा के अच्छी तरह से FTS सॉकेट में लगा देते हैं। एक यूनियन इनलेट की तरफ, एक यूनियन और एक यूनियन आउटलेट की तरफ लगा देंगे और ये इनलेट की तरफ यूनियन टाइट करके इसका बीच का नाप ले लेंगे। एक यूनियन इधर लगा के इसका बीच का नाप लेके वो एक पाइप का टुकड़ा लगा देंगे, इससे अपना फिल्टर लग जाएगा। ये वापस यूनियन खोल के पूरा टुकड़ा एक सेट करके लगा देते हैं। ये यूनियन खोल लेते हैं और ये बीच का टुकड़ा इसके दोनों तरफ में लगा के इसको फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स करने के बाद दोनों यूनियन टाइट कर लेंगे, इससे हमारा फिल्टर लग जाएगा और वाल चालू कर देंगे। इससे हमारा नीचे RO भी लगा हुआ है उसकी भी लाइफ बढ़ जाएगी, उसमें भी मिट्टी कचरा जो भी होगा बिल्कुल कम जाएगा। और ये दोनों यूनियन टाइट कर लेते हैं और फिल्टर को थोड़ा नीचे की तरफ कर लेंगे, इससे जो भी कचरा होगा यही रुक जाएगा और वाल चालू कर देते हैं। ये हमारा लग चुका है फिल्टर।